मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज द सेंटेंस। द सेंटेंस वी विल अंडरस्टैंड सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, सो टुडे आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन सिंपल सेंटेंस। व्हाट आर सिंपल सेंटेंसेस? लेट्स सी हियर। अ सिंपल सेंटेंस इज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, और जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब होती है एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, जो कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, सो इन सिंपल सेंटेंस वी राइट सब्जेक्ट एंड वर्ब। सो सब्जेक्ट जो होते हैं नेम ऑफ वन पर्सन और टू पर्सन, ठीक है। सब्जेक्ट में एक पर्सन भी हो सकता है और टू पर्सन भी हो सकते हैं। वन पर्सन लाइक राहुल, मोहन, हर्षित, नितिन, आयुष, दीक्षांत, और ओके, सो ये यहाँ पर वन पर्सन में हम लिख सकते हैं। इफ़ आई विल राइट टू पर्सन, सो आई कैन राइट हर्षित आई, दीक्षांत आई, नितिन आई, आयुष आई। ओके, सो आई ऑल्सो आई कैन एड इफ आई वॉन्ट टू राइट टू पर्सन्स। ओके, नाउ वॉट इज वर्ब? वर्ब में क्या होगा? अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन। एक वर्ड जो एक्शन को डिस्क्राइब करता है दैट इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब वही तो होती है जो एक एक्शन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। सो एक जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं और वर्ब में हम क्या लिखते हैं, सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ जो सिंपल सेंटेंस होते हैं दे कैन बी विदाउट वर्ब। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं कैन बी विदाउट वर्ब। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें किसी में जो है वर्ब नहीं होती और किसी में वर्ब होती है। तो यहां पर जो विदाउट वर्ब वाले सिंपल सेंटेंस होते हैं वो कंटेन ओनली हेल्पिंग वर्ब, उनमें ओनली केवल हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को पता है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव एंड कैन। ओके, सो कंटेन ओनली हेल्पिंग वर्ब, एग्जांपल इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, कैन। इज, एम, आर, ये जो हैं वर्ड्स ये क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, तो यहाँ पर जो इज़ है वो क्वालिटी को बता रहा है, ठीक है। ऐसे ही वॉज वर है वो पास्ट की क्वालिटी को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड हैज़ वी कैन यूज़ फॉर हैविंग समथिंग, इट मीन्स अगर कोई चीज़ हमारे पास में है तो उसको बताने के लिए हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कैन, नेक्स्ट जो है वो कैन है, कैन वी कैन यूज़ फॉर शो योर कैपेबिलिटी, ठीक है, कैपेबिलिटी को शो करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। नाउ सिंपल सेंटेंसेस कैन बी विद वर्ब। ये जो होते हैं सिंपल सेंटेंस विद वर्ब के साथ भी होते हैं, उनमें क्या होता है, कंटेन एक्शन लाइक प्ले, किक, स्विम, जंप, रन, स्लीप, ओके, ऑल आर एक्शन वर्ड्स। तो इनमें क्या होता है, ओनली वर्ब होती है। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन सिंपल सेंटेंसेस विदाउट वर्ब कंटेन हेल्पिंग वर्ब। नाउ आई विल एक्सप्लेन सिंपल सेंटेंसेस जिनमें हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब नहीं होती है। सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ दैट। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल वी विल अंडरस्टैंड। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी इज अ टीचर। शी इज़ अ टीचर, इट मीन्स वो एक टीचर है। इट मीन्स हेयर वर्ब इज, वी आर नॉट यूजिंग वर्ब हेयर, हम यहाँ पर वर्ब यूज नहीं कर रहे हैं। ओनली इज रिटन हेयर, इज अ हेल्पिंग वर्ब। इज क्या एक हेल्पिंग वर्ब है और इसका यूज यहाँ पर हम क्वालिटी को बताने के लिए कर रहे हैं। सेकेंड, रिया हैज़ एन एग्जाम टुमोरो। रिया का जो है कल एग्जाम है, इट मीन्स कोई चीज़ जब रखते हैं हम तो उसके लिए हम हैज़ का यूज़ करते हैं। सो हैज़ इज ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। देयर इज नो एनी वर्ब इन दिस सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट थर्ड इज, माय फादर इज एन एक्सीलेंट कुक। माय फादर इज एन एक्सीलेंट कुक। तो यहां पर भी जो इज है वो क्वालिटी को बताने के लिए हम यूज कर रहे हैं। इन दिस सेंटेंस देयर इज नो वर्ब, कोई वर्ब नहीं, इज अ हेल्पिंग वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब है यहां पर इज वो क्वालिटी को बता रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, so here also we are not using any verb, only we have written here was, and was is a helping verb, is indicate past quality. next, it was a dark night. it was a dark night, it means kal ki jo raat thi wo bahut hi zyada dark thi. so here also we are telling the quality of past,
ठीक है. सो वॉज क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है. नाउ आई विल एक्सप्लेन सिंपल सेंटेंसेज विद वर्ब. इट मीन्स यहाँ पर जो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स में वर्ब का हम यूज कर रहे हैं. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल वी विल अंडरस्टैंड दीज सिंपल सेंटेंसेज. फर्स्ट सेंटेंस इज द बेबी क्राइड. सो इन दिस सेंटेंस देर इज नो हेल्पिंग वर्ब, ओनली वी हैव रिटन वर्ब. यहाँ पर वर्ब है, यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमने यूज नहीं करी है. द बेबी क्राइड, दिस इज अ मेन वर्ब. इट मीन्स दिस इज अ एक्शन वर्ब. ओके, नेक्स्ट सेकंड इज आई स्टडीड हार्ड. ओके, सो इन दिस सेंटेंस एनी हेल्पिंग वर्ब इज देयर? नो, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, ओनली स्टडीड. दिस इज अ वर्ब, एक्शन वर्ब. नेक्स्ट इज यू कैन गिव मी अ चेक. In this sentence, we have used can and give. Can is auxiliary verb and give, it's an, yes, ये क्या है, एक, हाँ, ये एक हमारी verb है, okay? Next is, we have declined the request of a client. हमने जो है एक client की request को decline कर दिया. Decline in the sense किसी चीज को deny, मना करना, इनकार करना, ठीक है. So in this sentence, I have written have and declined. Have is a helping verb and declined, it's a verb. Okay, now next, the bus arrived late. Okay, so arrived, this is a verb. Okay, so I have not written any helping verb in this sentence. So now I hope you have understood simple sentences without verb and with verb. Okay, now we will understand compound sentence. What are compound sentences? Let's see here. Compound sentence has two clauses which are independent and have relative ideas. It means जो compound sentence होते हैं इसमें two clauses होते हैं and both clauses are independent and they have relative ideas. Let's see the example. Everyone was busy, I went to movie alone. There are two clauses and both clauses are independent and with the help of so, this is a coordinating conjunction, we can join both clauses. Okay, both are independent clauses. First clause, everyone was busy, and so word, it's a coordinating conjunction. And second clause is independent clause, I went to movie alone. Okay, so with the help of so, I have joined two clauses here. Now two independent clause are joined together by coordinating conjunction. Okay, example of coordinating conjunction, as I told in previous video, with the help of a very good trick, fanboys, we can learn all coordinating conjunction. F for for, and A for and for nor, and B for but, O for or, Y for yet, S for so. Okay. So with the help of this very good trick, we can learn all coordinating conjunction. Okay, mostly we use coordinating conjunction and, but, and, or. Now we will understand all compound sentences with the help of these examples. First example is, I really need to go to work, but I am too sick to drive. So, first is independent clause and second is also independent clause. And but this is a coordinating conjunction and coordinating conjunction, we will join both clauses. Okay. And as I told in previous video rule, in coordinating conjunction, we will write independent clauses and before coordinating conjunction, we will put the comma. So I have put the comma here in first clause. I really need to go to work. Okay. So both independent clauses are relative with each other. Okay. And but it is a coordinating conjunction. Now second example is, everyone was busy, so I went to the movie alone. Everyone was busy, it means pratek busy tha. So it means isliye I went to the movie alone, इसलिए मैं movie अकेले देखने गया. So here, so word is, it is a coordinating conjunction and I have used to connect both independent clauses here. Now let's see the third example. Cats are good pet for they are clean. जो cat हैं, cats are good pets. Cats जो हैं, वो good pets हैं. So, for I have used
a coordinating conjunction to connect both independent clause and they are clean, and this is also independent clause. Okay, so I have joined both clauses with the help of coordinating conjunction 4. Now next 4 is, should we start class now or wait for everyone to get here? So here first, should we start class now? This is the independent clause and or this is a coordinating conjunction. Okay, so with the help of coordinating conjunction, I have joined both clauses. Okay, and according to rules, I have put the comma here. Okay, so here I have put the comma and second clause, wait for everyone to get here. This is a second independent clause. Now let's see the fifth example. I am counting my calories, comma, yet I really want dessert. Okay, so in this sentence there are two clauses. First is independent and second is also independent, and after writing first independent clause, I have put the comma because before coordinating conjunction, according to rules, I have to put the comma, and that's why I have written comma here. Okay, and then after I have written yet, and then I really want to dessert. Okay, so student, this is a compound sentence. I hope now you have understood all examples of compound sentence. Third kind of sentence, that is complex sentence. What are complex sentences? Let's see here. Complex sentences contain an independent clause and at least one dependent clause. Complex sentence वो होते हैं जिसमें independent clause होता है और एक dependent clause होता है. Okay, let's see here. My mother smiled when I made dinner. This is an example of complex sentence because in this sentence there are two clauses. One is independent clause and other is dependent clause. Okay, so we can change the position also. हम इनकी position भी change कर सकते हैं. So let's see here. My mother smiled when I made dinner. So first part is independent clause. My mother smiled. This is independent clause. And second one, when I made dinner, this is dependent clause. Okay, so we can change the position. Maybe I can write first dependent clause and second independent clause. Let's see here. When I made dinner, my mother smiled. I have changed the position. First, I have written dependent clause. When I made dinner, this is dependent clause. And second, I have written independent clause. My mother smiled. But according to rules, if you are writing first dependent clause, according to rules, after writing dependent clause, we have to put comma. So I have put comma here because I have written first dependent clause. अगर हम dependent clause पहले लिखते हैं तो rules के according हमें उसके बाद comma लगानी होती है. Next, when is a subordinate conjunction join independent clause to a dependent क्लॉज. जो यहाँ पर सेंटेंस है इसमें जो वैन है, वो वैन क्या है, एक सबॉर्डिनेट कंजक्शन है जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से जॉइन करता है. ठीक है, नाउ एग्जाम्पल ऑफ सबॉर्डिनेट कंजक्शन. जो सबॉर्डिनेट कंजक्शन होते हैं उनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, लेट्स सी हियर. First is because, second after, third if, next since, next when and next while. These are example of subordinate conjunction. Okay, now these are examples of complex sentences. Okay, so with the help of these example, we can understand complex sentences easily. Okay, let's see here. One first example is, let's go back home because we had finished our work. So first I have written independent clause, let's go back home. Let's go back home, this is a independent clause. And after independent clause, I have written because we had finished our work. This is a डिपेंडेंट क्लॉज. ब्लू इंक से जो लिखा हुआ है ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है बिकॉज हमने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया हुआ है. अगर फर्स्ट आप डिपेंडेंट क्लॉज लिखते हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखते हो और उसके बाद में डिपेंडेंट क्लॉज लिखोगे तो उसके बाद में हमें कॉमा नहीं लगानी होती है. ओके, नाउ लेट्स सी
सेकेंड एग्जाम्पल वैन शी वॉज यंगर जब वो यंगर थी. सो दिस इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज. सो अकॉर्डिंग टू रूल्स आफ्टर राइटिंग डिपेंडेंट क्लॉज वी हैव टू पुट द कोमा एज आई हैव पुट द कोमा अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड देन आफ्टर आई हैव रिटन शी बिलीव्ड इन फेरी टेल्स दिस इज़ अ इंडिपेंडेंट क्लॉज. ओके नाउ लेट्स सी थर्ड एग्जाम्पल वेन एवर यू गो जब कभी भी तुम जाते हो दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज. ओके एंड अकॉर्डिंग टू रूल्स आई हैव पुट द कोमा एंड नेक्स्ट सेकेंड वन आई हैव रिटन इंडिपेंडेंट क्लॉज यू कैन ऑलवेज फाइंड ब्यूटी. ओके एंड नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल इज माई फादर लव वैन आई टोल्ड अ जोक. ओके मेरे पिताजी हंसे जब मैंने उन्हें जोक सुनाया. ठीक है माई फादर लव दिस इज अ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट दिस इज अ इंडिपेंडेंट. ओके सो आफ्टर राइटिंग इंडिपेंडेंट कैन आई पुट द कॉमा नो. ओके दैट्स वाई आई हैव नॉट पुट द कॉमा हेयर. सो माई फादर लव वैन आई टोल्ड अ जोक. ओके सो ब्लू इंक से जो मैंने लिखा हुआ है दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज. एंड फिफ्थ लास्ट वन इज वेन एवर ही गोज टू मार्केट ही ऑलवेज ब्रिंग्स बनाना. ओके जब कभी भी वो मार्केट जाता है ही ऑलवेज ब्रिंग्स बनाना. ओके सो वेन एवर ये देखो वेन एवर ही गोज टू मार्केट ये क्या है एक डिपेंडेंट क्लॉज है एंड अकॉर्डिंग टू रूल्स आई हैव पुट द कोमा आफ्टर राइटिंग डिपेंडेंट क्लॉज एंड देन ही ऑलवेज ब्रिंग्स बनाना दिस इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज. ओके सो ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ओके सो मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं जिनमें एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब होती है. ओके और जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया और ये जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस होता है उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक कौन सा होता है डिपेंडेंट क्लॉज होता है. सो आई थिंक नाउ यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे.